यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रोल सर्वाइवल। तो गाइस फिलहाल देखो मैं पूरे मैप पे घूम के सर्वाइवल वगैरह कर रहा हूँ और तभी मेरे को ये दिखता है एक छोटू सा बेस है जो कि उड़ का है पूरा। तो चलो कोई नहीं, अभी इसको रेड करके देख लेते हैं। फिलहाल हम इसको मैचेट से ही इजीली रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मैचेट से इसका डोर तोड़ देता हूँ, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। हो सकता है भाई लूट ही मिल जाए डायरेक्टली क्योंकि बेस काफी ज्यादा छोटा लग रहा है, या ऐसा भी हो सकता है भाई कुछ भी ना मिले क्योंकि ऐसी बेस में ज्यादातर कुछ भी ना मिलने की चांस ज्यादा रहता है। तो ये डोर तो लगभग टूट चुका है, तो लो अभी ये टूट चुका है और अंदर एक और डोर निकल चुका है। तो सबसे पहले मैं एक बार ऊपर की साइड से देख लेता हूँ। देख लो गाइस आप भी, छोटू सा बिल्कुल बेस है, नीचे दो बेजल का है, एक बेजल का कह सकते हो आप, बस एक दो बेजल नहीं, दो ही बेजल का है, एक बेजल का नहीं है, दो स्क्वायर बेजल और दो ट्रायंगल बेजल का है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। तो चलो अभी इस डोर को भी हम जल्दी से तोड़ लेते हैं। मेरे ख्याल से तो देखो इस बेस में कोई भी लूट वगैरह नहीं मिलेगा हमें, बस कैबिनेट मिलेगा, लेकिन मुझे कैबिनेट ही तोड़ना है इस बेस में, तो इसलिए मैं बस इस बेस में रेड कर रहा हूँ। तो चलो जल्दी से तोड़ देते हैं, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लगभग ये टूट चुका है, अभी कुछ ही सेकंड में ये टूट भी जाएगा और एक दो हिट में ये टूट जाएगा बस लास्ट हिट। और गाइस यार यहाँ पे तो काफ़ी सारे लास्ट स्टोरेज लगा के, लास्ट स्टोरेज नहीं सॉरी वुडन स्टोरेज लगा के रखा है। और भाई यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लूट है यार, मतलब मेरी सोच से ज़्यादा लूट है यहाँ पे। तो देखो हमें यहाँ पे 3-4 हज़ार तो सल्फर मिल गया और काफ़ी आयरन भी थोड़ा बहुत मिल गया। अरे भाई यहाँ पे काफ़ी सारा सामान है, मैंने सोची नहीं थी ऐसी बेस में इतना सारा सामान हो सकता है। वैसे बैंडेजेस भी काफ़ी सारे हैं इस बेस में। और इस बेस का जो वर्क बेंच है भाई, वर्क बेंच पूरा एडवांस वर्क बेंच में है भाई साहब। और देखो ऐसे मुझे हैंडमेड और एक ऑयल ड्रम भी मिल गया यार, मैंने सोची नहीं थी इतना सारा लूट मिल सकता है इस बेस में। और मुझे ऐसे एक मिनी 14 भी मिल गया और एक SMG भी मिल गया। वैसे तो हमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लूटना तो बनता है भाई, जब मिल रहा है तो लेना बनता है। जब तक अपना बैग खाली है तब तक हम लेंगे, जब बैग अपना फुल हो जाएगा तो फिर हम फेंक देंगे बस ऐसे। जनरेटर भी देखो यहाँ पे तो 3-4 जनरेटर पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से गाइस कोई एक बंदा होगा जो कि उसका मेन बेस का सामान ऐसा एक बेस बना के रख दिया है, इसमें छुपा दिया हो। कोई भी अगर रेड करने आए तो उसको लगे कि भाई इस बेस में कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। तो भाई मैंने तो फिर भी रेड कर दिया। चलो यार भाई अभी जल्दी से इसका कैबिनेट तोड़ के अपना कैबिनेट लगाते हैं, फिर पूरे बेस को तोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे M4 से पूरा फायर करके भाई कैबिनेट को तोड़ने वाला हूँ अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता बम वेस्ट करना इसीलिए बस। लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो एक बम लगा ही देता हूँ क्यों ना, मैं एक बम से तोड़ते और बाकी जितना हेल्थ बचा होगा वो हम गन से फायर करके तोड़ देंगे। तो अभी बस थोड़ा सा ही हेल्थ बचा है, चलो इसे गन से फायर करके तोड़ देते। तो ओके गाइस अभी कैबिनेट हमने तोड़ दिया और यहाँ से हमें काफ़ी सारा वुड वगैरह मिल चुका है। स्टील भी यार हमें काफ़ी अच्छा खासा मिल गया इस बेस से, 300+ मिल गया भाई, मैंने सोची नहीं थी स्टील भी मिलेगा इस बेस से। तो देखो भाई बेस है वुड का और लूट देखो भाई कैसा। तो चलो मैंने अपना कैबिनेट क्राफ्ट पे लगा दिया हूँ, तो जब क्राफ्ट हो जाएगा फिर लगा के हम पूरे बेस को तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा बैग फुल है तो मेरे ख्याल से कैबिनेट क्राफ्ट नहीं हो पाएगा। मैं कुछ चीज़ें फेंक देता हूँ फिर भाई उठा लेंगे बाद में, सबसे पहले कैबिनेट क्राफ्ट होने देते। तो कैबिनेट अभी क्राफ्ट हो चुका है, प्लेस करते हैं यहाँ पे और जल्दी से गाइस तोड़ देते हैं सबको हम। तो ऊपर वाला सीलिंग जो है या फोल्डिंग लैडर लगा हुआ है, चलो इसे तोड़ के देखते हैं भाई ऊपर कुछ सामान वामान रखा हुआ है क्या, हो सकता है ऊपर भी लूट हो। लेकिन नहीं भाई यहाँ पे कुछ भी लूट वगैरह नहीं है। शायद मेरे ख्याल से बंदे ने सोची होगी कि भाई बेस को थोड़ा बहुत धीरे धीरे बड़ा करने के बारे में, लेकिन उससे पहले ही हमें रेड कर दिया। तो चलो अभी इस सबको हम तोड़ देते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लूट वगैरह गिर गया है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें गिरा है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई काम का चीज़ें मैं छोड़ जाऊँ। तो चलो वहाँ पे तो कोई भी काम का चीज़ नहीं था, अभी पूरे बेस को हम तोड़ देते हैं। तो लास्ट वेजल है भाई, ये गया भाई पूरा बेस। अभी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई कोई काम का चीज़ है तो नहीं। सो मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमारे कोई काम का चीज़ गिरा भी होगा, तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मुझे यहाँ पे दो बेस दिखाए, तो चलो इस बेस में रेड करते हैं। सो उनमें से तो एक बेस तो भाई मेरे ख्याल से ऑलरेडी डेडेड है, क्योंकि इस तरफ से भाई ये पूरा खुला हुआ है और इसमें कैबिनेट भी नहीं है। मेरे ख्याल से इसके पास वाली बेस से ये बेस कनेक्ट होगा, इसीलिए इस बेस में कैबिनेट नहीं है, फिर भी ये बेस अभी तक टिका हुआ है। चलो कोई नहीं इसी बेस में हम रेड कर लेंगे। इस बेस का नीचे वाली पार्ट तो पूरा आयरन का है, लेकिन ऊपर वाली पार्ट स्टोन का है। तो मैं इधर थोड़ा ग्लिच व्लिच करके देख लेता हूँ कि भाई अंदर क्या चीज़ है। और बेस की चारों तरफ भाई बंदे ने ये कांटो लगा के रखा है, और अगर एक बार चुप गया ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्थ ले लेता है ये। तो चलो कोई नहीं इसे इन सबको तो छोड़ो। मेरे ख्याल से बेस के अंदर वाला पार्ट अगर मैंने ऊपर से रेड किया तो मुझे शायद
हो सकता है कि एक आयरन का सीलिंग तोड़ना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, ऊपर से ही रेट करेंगे। मैं वुडन स्क्राइब तोड़ देता हूँ भाई, कहीं पता चला मेरी पैर वैर में घुस ना जाए। वैसे अपने पास तो एमो की कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए मैं बस गन से फायर करके इसे तोड़ रहा हूँ। तो चलो इसे भी हम तोड़ देते। पहले देखा आपने कैसे ग्लिच सा हो गया था, तो मेरी पूरा गन ही दिख रहा था। तो चलो इसे भी तोड़ देते हैं। तो गाइस अभी मैं ऊपर का दोनों वॉल के बीच में ऑयल ड्रम कुछ लगा देता हूँ, दो तीन। सो चलो तीनों को फूटने देते हैं, फिर दोबारा से लगाते हैं। मेरे ख्याल से तो भाई 12 या 13 लगता है एक स्टोन की वॉल को तोड़ने में ऑयल ड्रम। फिर हम इसको तोड़ के वुड लैडर से ऊपर जाएंगे, ऊपर से पूरे बेस को रेड करेंगे। तो चलो उसे तोड़ते हैं जल्दी से। सो गाइस अभी फाइनली ये दोनों के दोनों वॉल टूट चुका है। अभी भाई अंदर तो काफ़ी सारे लार्ज स्टोरेज मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं लूट कितना होगा, चलो चल के ही देखते। तो मैंने इधर वुड लैडर लगा दिया, अभी ऊपर आ चुका हूँ मैं। और ऊपर तो भाई मैंने सोचा था इधर सीलिंग विलिंग तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे बस हमें एक डोर तोड़ना पड़ेगा जो कि है आयरन का, तो चलो हम इजिली इसे तोड़ देंगे। तो वैसे काम करते हैं, सबसे पहले मैं इस डोर को तोड़ता हूँ, लूट हम बाद में देख लेंगे। तो अभी मैं इसमें 3 हेलमेट लगा देता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया है अभी, और 2 लगाना पड़ेगा। 4 हेलमेट लगता है एक डोर को तोड़ने में। तो मैं इधर साइड आके खड़ा हो गया हूँ भाई, बहुत मेरे को डर लग रहा था कि भाई मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज था बम की। तो इधर तो भाई लैडर टूट चुका है, अभी मुझे यहाँ पे एक लैडर लगाना पड़ेगा। तो चलो मैंने लगा दिया, अभी ऊपर चलते हैं। और नीचे अगर हम दोबारा गिर गए तो फिर भाई हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, तो इस बार हमें ध्यान से रहना पड़ेगा ताकि हम नीचे ना गिर जाए। अभी डोर टूटा क्या भाई? नहीं टूटा, अभी एक और बम लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 1 लगा था मैंने, मुझे लगा मैंने 2 लगा दिया था। तो भाई बिल्कुल मैं उस कोने में लगा रहा हूँ ताकि भाई बम की फ्लैश डैमेज वो ज़्यादा इधर ना आए। अभी तो डोर का टूटना बनता है, तो डोर तो अभी टूट चुका है, अभी नीचे चल के देखना पड़ेगा हमें क्या है नीचे। तो भाई इधर कैबिनेट तो नहीं है मेरे, अरे भाई कैबिनेट आ गया भाई, जादू है क्या, ग्लिच हो गया था गाइस, जिसके कारण हमें पहले कैबिनेट नहीं दिखा था। तब मुझे लगा भाई कैबिनेट इस रूम के अंदर है, लेकिन उसके बाद कैबिनेट विजिबल हो गया, तो अपने लिए अच्छा हुआ कैबिनेट बाहर ही मिल गया और हमें और कोई बम यूज करना नहीं पड़ा। और कैबिनेट से भी हमें अच्छा खासा लूट वगैरह मिल गया है। तो अभी मैंने एक कैबिनेट क्राफ्टिंग पे डाल दिया है, सो कैबिनेट क्राफ्ट होने देते हैं, फिर हम इस पूरे बेस को तोड़ देते हैं। अभी अपना कैबिनेट क्राफ्ट हो चुका है, तो मैं कैबिनेट को यहीं पे प्लेस कर देता हूँ जहाँ पे दूसरी पहली वाली कैबिनेट था। और मुझे लगा था इस रूम के अंदर हमें कोई लूट वगैरह मिल जाएगा यार, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला हमें। चलो मैं इधर एक लैडर ला के ऊपर चलता हूँ। अभी ऊपर चल के अभी इस लार्ज स्टोरेज को तोड़ के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैं सबसे पहले इसको कवर कर देता हूँ भाई, कहीं पता चला कोई बंदा मार ही दिया हमें। वैसे रिक्स नहीं लेना चाहता मैं, इसीलिए मैंने इसको पैक कर दिया, मतलब अपने आप को पैक कर लिया है। सो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो फालतू सामान ही दिख रहा है मुझे, जो कि हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। खैर अभी इसमें देखते हैं क्या है। उसमें तो भाई पूरा का पूरा फालतू सामान से भरा हुआ है, और इसमें भी फालतू ही है क्या भाई? बस कुछ एमओ वगैरह है और एक मेड किट है, चलो उठा लेते हैं, अपना हेल्थ बढ़ाने के काम आएगा। कुछ फ्यूल वगैरह है, बस थोड़ी सी फ्यूल, 18 के आसपास फ्यूल मिला, थोड़ी सी टाइटेनियम और कुछ फालतू खाना वगैरह। तो अभी इसको भी तोड़ के देख लेते हैं क्या क्या है। वैसे पानी की बोतल से भरा रखा है पूरा। यहाँ पे एक सीरिंज है, चलो उठा लेते हैं, एमओ भी है, थोड़ा सा वुड, थोड़ा सा स्टील। अरे भाई यहाँ पे तो भाई सल्फर भी मिल गया मुझे, सल्फर पाउडर। तो अगर यहाँ से मुझे सल्फर पाउडर मिल गया 4000 के आसपास, तो चलो मेरे लिए अच्छा ही हो गया, मैं इससे और भी बम वगैरह बना पाऊंगा तो सही। अभी इसे की भी तोड़ के देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर ये भाई पूरा, अरे SMG है, चलो उठा लेते हैं। वैसे SMG वगैरह हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उठा लेते हैं, जब बैग खाली हो तो उठाने का मन तो करता ही है मुझे। तो चलो भाई यहाँ पे भी फालतू सामान ही है, खाना वगैरह है और कुछ नहीं। चलो इसे भी तोड़ के देख लेते हैं, ये डबल सेल के ऊपर रखा हुआ, क्या पता इसमें अच्छी चीज़ हो। लेकिन यार मैं गलत था, इसमें भी पूरा भाई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लूट मिल रहा है पता है? वाटर बॉटल भाई, सारे के सारे लार्ज चेस्ट के अंदर वाटर बॉटल से भाई भरा रखा है पूरा बंदे ने। पता नहीं इतनी सारे वाटर पी के बंदा क्या ही करेगा। पूरी नदी का पानी मेरे ख्याल से बंदे ने इसके बेस में ला के रख दी वाटर बॉटल में भर के। इसीलिए मैं सोचूं भाई नदी का पानी गया तो गया कहाँ पे, नदी सूख क्यों गया? काम की चीज तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। ऊपर वाले लास्ट स्टोरेज में देखते हैं इसमें क्या है, क्या पता कोई काम की चीज मिल जाए। चलो मैंने डबल सेल ही तोड़ दिया पूरा, अभी देखते हैं पूरा लूट भाई। यहाँ पे एक SMG है जो कि हमें नहीं चाहिए, वाटर बॉटल दोबारा से, और यहाँ पे अपना टीममेट भी आ रहा है लूट उठाने के लिए।
यहाँ पे मैचेट ही बोले तो काफी सारे बैंडेज काफी सारे मिल गया यार वैसे। बट यार अभी तो हमारी बैंडेज की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि किसी के भी साथ हमारी फाइट ही नहीं हो रहा है, बंदे ही नहीं है सर्वर में तो फाइट कैसे होगा। बंदे ने पता नहीं ये बेस बना के कहाँ चले गए भाई, बंदा ही नहीं है बेस में, देखो तो जरा। अभी मैं इस बेस को तोड़ देता हूँ, तो सबसे पहले मैं डोर को तोड़ देता हूँ और अभी बेस को भी तोड़ देते हैं जल्दी से। हम यहाँ पे अपना बंदा भी आ चुका है, लेकिन यार उससे पहले इस बेस को तोड़ने से पहले हम ये वाली बेस को तोड़ के देखते हैं कि भाई ये बेस टूटता भी है या फिर नहीं। और अगर मैं पहले वो वाली बेस तोड़ देता हूँ तो भाई बाद में ये वाली बेस नहीं टूटेगा, इसीलिए मैं सबसे पहले ये वाली बेस तोड़ रहा हूँ। तो चलो इसको तोड़ देते हैं। वैसे बंदे ने देख रहे हो भाई यहाँ पे शॉटगन ट्रैप लगा के रखा है, लेकिन उसका मेन बेस में शॉटगन ट्रैप बिल्कुल भी नहीं है। खैर ग्लोबल सर्वर में तो ऐसे पागलपंती होता ही रहता है। तो चलो अभी अपना टीममेट भी ऊपर चला गया लूट उठाने के लिए, चलो उसे हम भी चल के देखते हैं वैसे कोई लूट ना छूट जाए हमें। वैसे मैं हर बार भाई लूट चेक करता हूँ क्योंकि भाई मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि भाई मैंने कुछ छोड़ दिया। चलो अभी मैं पूरे बेस को तोड़ देता हूँ, वैसे एक एक करके तोड़ते हैं भाई, धीरे धीरे तोड़ते हैं। तो मैंने इधर से तोड़ा और इधर से मैं लैडर भी तोड़ देता हूँ वैसे, और ये मैंने तोड़ दिया लैडर। अभी पूरे बेस को भी हम तोड़ देते हैं भाई। ये जो कांटे लगा के रखा है ना बंदे, मैं कांटे को तोड़ना चाह रहा हूँ भाई, मुझे ये कांटों देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है वैसे। तो मैंने इसे तोड़ दिया और इधर तो कैबिनेट है, कैबिनेट को अगर मैंने तोड़ दिया तो बाद में भाई ये वाला पार्ट नहीं टूटेगा और ऊपर वाला पार्ट भी रह ही जाएगा। सो ओके गाइस, यार मैंने अभी पूरे बेस को तोड़ दिया। अभी एक बार दोबारा से लूट चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो भाई बंदे ने छत पे कुछ छुपा के रख दिया हो। सो जितना भी लूट हमें चाहिए था सब कुछ हमने उठा लिया है, और जो नहीं चाहिए था भाई वो भी उठा लिया है। तो अभी चलो चलते हैं यहाँ से वहाँ पे, अपना RDX भाई भी वहीं पे अभी तक लूट देख रहा है, उठा रहा है, उसे जो जो चाहिए भाई वो उठा लेंगे। वैसे अपने को तो बस बैग फुल करना है बस ऐसे ही भाई, जो नहीं चाहिए इसलिए वो भी उठा लेते हैं हम। और गाइस अभी हमें इधर डेजर्ट साइड पे एक बेस दिखता है जो कि आधा रेडेड है, ऊपर वाला पार्ट भाई इसका पूरा रेडेड है। मेरे ख्याल से बस इसका TC रूम ही बचा होगा, तो अभी हम उसका TC को भी रेड करने वाले। तो मैंने इधर बम लगाना स्टार्ट कर दिया, चलो डोर टू डोर ही रेड करते क्योंकि तो आधा रेडेड है, बस दो ही रूम भाई खाली। और ये लो हमें TC मिल चुका है, और बंदे ने भाई 100 RP कर ली इतनी जल्दी कैसे, अभी तक तो सारी वीक भी नहीं खुला है यार। वैसे स्किन थोड़ा बहुत तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वैसे मैंने बैटल पास तो बाई कर रखे है, लेकिन मेरी मेन ID पे अभी तो हम ग्लोबल खेल रहे हैं अपनी सेकेंड ID से, लेकिन मेरी बैटल पास का लेवल तो यार अभी तक 40 भी नहीं हुआ और इसने भाई पूरा 100 कर लिया भाई, पता नहीं कैसे। तो चलो जो भी हो, मैंने उसमें कैबिनेट के ऊपर बम तो लगा दिया है। कितना बम लगा था भाई, मैंने एक बम लगा था। अभी जितना हेल्थ बचा होगा कैबिनेट का, बाकी हेल्थ को हम गन से तोड़ने वाले हैं। तो चलो हम दोनों तो भाई फायर कर रहे हैं, अभी ये टूट जाएगा। सो कैबिनेट तो अभी टूट चुका है। अरे भाई इतना ज्यादा लूट, भाई इतना ज्यादा लूट मैंने सोची नहीं थी, इतना ज्यादा लूट मिलने वाला है अपने इस बेस से। वैसे मजाक कर रहा हूँ, काफी ज्यादा कम था मतलब यार भाई इतना भरा बेस है और कैबिनेट में इतना सा सामान कौन रखता है भाई। इससे ज्यादा तो भाई उस वुडन वेस्ट में जो छोटी वाले 1 Bazel का बेस था उसमें ज्यादा सामान था कैबिनेट के अंदर। चलो जो भी हो अभी हम बेस को तोड़ देते पूरा, देखते क्या पता और भी रूट मिल जाए इस रूम से। सो भाई यार कुछ भी नहीं है, मुझे लगा भाई मिल जाएगा। चलो छोड़ो लूट को, छोड़ो हमें लूट वगैरह नहीं चाहिए, चलो तोड़ देते हैं पूरी बेस को। वैसे हमसे भी पहले किसी बंदे ने शायद इस बेस में रेड किया हुआ था क्योंकि भाई कोई भी लूट वगैरह इसमें नहीं था। पहले हम इस बेस में पहले एक बार आए थे तब काफ़ी सारा लूट वगैरह था, हमने इस बेस के पास कैंप भी किया था, फाइट वगैरह भी हुई थी अपने साथ। तब तो रेडेड टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था इसलिए हमने तब रेड नहीं किया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं किसने आके इस बेस में भाई रेड कर दी। सो ओके गाइस यार आज के वीडियो पे इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना।